हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जितने भी तरह के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हम अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्कशॉप में हम यूज़ करते हैं, उन सभी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को मैं आज विजुअली आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं और हम उनसे क्या मेजर करते हैं, क्या उनका लीस्ट काउंट्स है। तो कंप्लीट लीनियर, एंगुलर और प्लेन जितने भी मेजरिंग के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे के सारे हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक आपने देखना है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। सोशल प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो जाइए वहाँ से भी हमें फॉलो कर लीजिए। चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, डिस्कस करते हैं मेजरिंग टूल्स। मेजरमेंट्स करने के लिए हम जितने भी टूल्स यूज करते हैं वो सारे के सारे टूल्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं मेजरिंग टूल्स क्या होते हैं। जब भी हम कोई कंपोनेंट बनाते हैं, कोई वर्क पीस बना रहे हैं, उसको हमें मेजर करना होता है, उसकी मेजरमेंट, उसकी माप लेनी होती है और हम डिफरेंट डिफरेंट तरह की मेजरमेंट्स लेनी होती है हमें अपने वर्कशॉप में। तो उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के मार्किंग टूल्स, सॉरी मेजरिंग टूल्स का यूज़ करते हैं। तो वो सारे के सारे मेजरिंग टूल्स कौन कौन से हैं उन सभी पर हम डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में। तो गाइस, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करना है और अपने लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना है अगर आप सभी मेजरमेंट्स टूल्स के बारे में समझना चाहते हैं और उनके लीस्ट काउंट को भी समझना चाहते सीखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो मेजरमेंट के जो टूल्स हैं, हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया उसको, लीनियर, एंगुलर एंड प्लेन। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लीनियर मेजरमेंट्स में। लीनियर मेजरमेंट्स में जो टूल्स आते हैं वो स्टील रूल, मेजरिंग टैप, कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, वर्नियर हाइट गेज। तो ये जो टूल हैं और हम इसमें टैप, जो मेजरिंग टैप है उसको भी हम यूज़ कर इसमें भी इसमें ही कर लेते हैं, इंची टेप वगैरह वो भी हम लीनियर मेजरमेंट्स में ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज एंगुलर मेजरमेंट। अब एंगुलर मेजरमेंट क्या है, जब हमें किसी कंपोनेंट के एंगल मेजर करने हैं तो उसके लिए हम कौन कौन से टूल यूज़ करेंगे। उसके लिए हम ट्राई स्क्वायर का यूज़ करते हैं, कॉम्बिनेशन सेट का यूज़ करते हैं, ऑर्डिनरी वेवल प्रोटेक्टर का यूज़ करते हैं, वर्नियर वेवल प्रोटेक्टर का यूज़ करते हैं, साइन बार का यूज़ करते हैं। तो ये जो टूल्स हैं मेजरमेंट्स के, इन टूल्स की हेल्प से हम किसी भी कंपोनेंट का एंगल मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्लेन। प्लेन मींस प्लेन मेजर करना है, सरफेस उसकी मेजर करनी है, रफनेस मेजर करनी है, सरफेस में वेरिएशंस को चेक करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये कुछ प्लेन मेजरमेंट्स टूल हैं जैसे कि स्ट्रेट इज, स्प्रिट लेवल, डायल टेस्ट। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टूल है इसमें वो प्लेन मेजरमेंट के लिए वो डायल टेस्ट इंडिकेटर या फिर डायल गेज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेजरिंग टूल्स हैं अगर आप क्वालिटी साइकिल में आप काम करना चाहते हैं, आप क्वालिटी इंजीनियर की जॉब सर्च कर रहे हैं उसमें काम करना चाहते हैं, तो आप खास आपके लिए वीडियो इसको, ये सारे टूल्स आपको आने चाहिए कि किस तरह से हम इन सभी से मेजरमेंट्स लेते हैं। आगे मैं अभी इनको टूल्स को आपको विजुअली मैं इनको आपको दिखाऊंगा और इनके सभी के लीज काउंट और इनके एप्लीकेशंस बताऊंगा। नेक्स्ट, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं स्टील रूल। जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्टील रूल है और इस स्टील रूल का जो लीस्ट काउंट होता है 0.5 mm यानी 500 माइक्रोन्स। नेक्स्ट इज कैलिपर्स। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे ये जो है आउटसाइड कैलिपर और ये इनसाइड कैलिपर। तो दो तरह के अलग अलग तरह के कैलिपर्स का यूज करते हैं जब हमें अंदर की माप लेनी है या बाहर की माप लेनी है, तो इनसाइड या और आउटसाइड कैलिपर का यूज करते हैं। और ये जो कैलिपर्स होते हैं इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स हैं। जैसे कि स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर क्या है, डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स है, हमें डायरेक्ट रीडिंग मिलती है, बट कैलिपर्स के थ्रू हमें डायरेक्ट रीडिंग नहीं मिलती है। तो ये जो टूल्स हैं ये इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स हैं। नेक्स्ट इज वर्नियर कैलिपर। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं ये वर्नियर कैलिपर है और इसके थ्रू हम डायरेक्ट मेजरमेंट लेते हैं और इसका जो लीस्ट काउंट है 0.02 mm यानी 20 माइक्रोन्स है और डिजिटल की बात करें तो 0.01 यानी 10 माइक्रोन्स होता है। नेक्स्ट इज माइक्रोमीटर। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये माइक्रोमीटर है और ये आउटसाइड माइक्रोमीटर है।
अलग अलग तरह के काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोमीटर्स आते हैं गाइस। मैंने इन सभी टूल्स पे वीडियो बनाई हुई है, सभी टूल्स की प्रैक्टिकल वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी, तो आप मैं उनका प्लेलिस्ट आपको दे दूंगा, आप वहाँ से जाके उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं, उन सभी के एप्लीकेशन देख सकते हैं किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से हम इनकी रीडिंग्स लेते हैं, कितने टाइप्स के होंगे, ये सभी चीज़ें। तो ये है मैमरा, ये माइक्रोमीटर है, आउटसाइड माइक्रोमीटर है, और इसका जो लीस्ट काउंट है जैसे कि आप मेंशन भी किया हुआ है 0.01 mm यानी 10 microns। नेक्स्ट इज वर्नियर हाइट गेज। वर्नियर हाइट गेज जैसा कि मैं बताया, हाइट गेज जो है मार्किंग में भी यूज किया जाता है और हाइट को मेजर करने के लिए भी हम यूज करते हैं। सेम इसका भी जो लीस्ट काउंट है, जो वर्नियर का लीस्ट काउंट होगा वही इसका लीस्ट काउंट होता है, 0.02 mm यानी 20 microns। अगर डिजिटल है तो उसमें, डिजिटल है या फिर डायल की कंडीशन में है तो उसका लीस्ट काउंट फिर 0.01 यानी 10 microns हो जाएगा। नेक्स्ट इज ट्राई स्क्वायर। अब एंगुलर मेजरमेंट्स का ट्राई स्क्वायर जो है, हम इससे किसी भी कंपोनेंट का एंगल 90 डिग्री एंगल चेक कर सकते हैं। 90 डिग्री एंगल मेजर नहीं करते इससे, क्योंकि इससे हमें 90 डिग्री मेजरमेंट नहीं मिलती एंगल की, बट हम चेक कर सकते हैं कि जो हम एंगल है वो 90 डिग्री है या फिर नहीं है। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन सेट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल्स है कॉम्बिनेशन सेट, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कॉम्बिनेशन सेट, यानी इसमें कॉम्बिनेशन। तो ये जो टूल है इसमें ये चार, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये स्टील रूल है इसके साथ, ये स्क्वायर हेड, यहाँ पर ये सेंटर हेड और ये प्रोटेक्टर हेड, इस तरह के 4 टूल से मिलके एक सेट बनाते हैं जिसको हम कॉम्बिनेशन सेट कहते हैं। और इसमें सभी से, जैसे यहाँ से हम इस जो सेंटर हेड, इसे अराउंड जो आपका सेंटर निकाल फाइंड आउट कर सकते हैं, ये स्क्वायर हेड है, यहाँ से हम 90 डिग्री और यहाँ से 45 डिग्री एंगल मेजर कर सकते हैं, इसे हम यहाँ से चेक कर सकते हैं मेजर नहीं। और उसके बाद अगर आपको मेजर करना है तो इसके साथ में यहाँ पर ये प्रोटेक्टर हेड दिया होता है, इस प्रोटेक्टर हेड की हेल्प से आप किसी भी जो एंगल है वो 1 डिग्री की एक्यूरेसी से आप मेजर कर सकते हैं, और 1 to 180 डिग्री तक के एंगल्स को ही आप इससे मेजर कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं और मार्किंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्डिनरी बेवल प्रोटेक्टर। जैसे कि बेवल, अभी हमने क्या है, जो हमारा प्रोटेक्टर हेड था उसमें हम 180 डिग्री तक के एंगल को मेजर कर सकते थे, बट ऑर्डिनरी बेवल प्रोटेक्टर की हेल्प से आप 360 डिग्री तक के एंगल को भी मेजर कर सकते हैं। और जो ये जो 360 डिग्री तक के जो एंगल है उसकी, अगर हम ऑर्डिनरी बेवल प्रोटेक्टर की बात करें तो इसकी भी जो एक्यूरेसी है वो 1 डिग्री ही होगी। नेक्स्ट इज वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। ये देखिए, ये दोनों बेवल प्रोटेक्टर, ऑर्डिनरी एंड वर्नियर, दोनों ही सेम ही टूल हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर इसमें एक वर्नियर स्केल भी ऐड किया होता है। सेम वैसा ही बेवल प्रोटेक्टर है जैसा ऑर्डिनरी है, लेकिन इसमें हमने यहाँ पर देख सकते हैं ये वर्नियर, यहाँ पर एक वर्नियर स्केल भी ऐड किया हुआ है जिसके कारण इसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। जैसे कि आप वहाँ पर जो उसकी एक्यूरेसी है वो 1 डिग्री है, लेकिन यहाँ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की अगर लीस्ट काउंट की बात करें तो इसका जो लीस्ट काउंट है वो 5 मिनट्स होता है। 5 मिनट कैसे, क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स होते हैं, तो ये 5 मिनट की एक्यूरेसी से आपको किसी भी कंपोनेंट को मेजर कर सकते हो, आप माप ले सकते हो इससे 360 डिग्री तक के एंगल को 5 मिनट की एक्यूरेसी से। नेक्स्ट इज साइन बार। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये साइन बार है, और साइन बार की हेल्प से आप एंगल को मेजर कर सकते हैं। साइन बार जो है ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मेट पे काम करता है, ये साइन थीटा पर वर्क करते हैं। और अगर आपको इसका प्रैक्टिकली देखना है तो मैंने प्रैक्टिकली इस पर वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं कि साइन बार को कैसे यूज करते हैं। और इसके लीस्ट काउंट की बात करें तो इसकी लीस्ट काउंट की जो एक्यूरेसी है वो 1 मिनट है। जैसे कि आप यहाँ देखिए ये साइन बार में हम स्लिप गेज और डायल टेस्ट इंडिकेटर का यूज करते हैं, उसके बाद ही हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रेट रेज। देखिए कई बार हमें मेंटेनेंस में ज़्यादातर हम इसको स्ट्रेटनेस चेक करनी होती है हमें उसके लिए, या फिर पुली बेल्ट्स की अलाइनमेंट करनी है, तो वहाँ पर हम इस तरह के स्ट्रेट एज का यूज करके उसको ईजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्पिट लेवल। देखिए लेबलर, इसको हम कई बार लेबलर भी बोल देते हैं, आपने यहाँ पर देखिए एक बबल्स रहता है, और इसको लेबल चेक करने की, जब हमें मशीन का मेंटेनेंस करना है, फाउंडेशन कर रहे होते हैं उसको, मशीन को असेंबली कर रहे हैं, उसकी फिटिंग कर रहे हैं, पहले मशीन को
मेंटेनेंस में, तो वहाँ पर हम उस कंडीशन में ज़्यादातर स्प्रिट लेवल का यूज़ किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये बबल्स रहता है, ये दोनों इस मिडिल के लाइन के बीच में ही रहना चाहिए। नेक्स्ट इज डायल टेस्ट इंडिकेटर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है, डायल टेस्ट इंडिकेटर। इसकी हेल्प से आप सरफेस में होने वाले वेरिएशन, राउंड जो वो, फ्लैट जो वो, डिफरेंट डिफरेंट अलग तरह की कोई भी शेप हो सकती है जो होगी, उसमें आप उसके वेरिएशंस को चेक कर सकते हैं। कब जो भी वेरिएशन सरफेस पे है, रफनेस है, फिनिशिंग है, जो भी है, वो वेरिएशंस 10 माइक्रोन्स की एक्यूरेसी, अगर हम इसका लीस्ट काउंट की बात करें तो 0.01 mm यानी 10 माइक्रोन्स है, और इससे भी कम लीस्ट काउंट्स के आपको डायल मिल जाएंगे, जैसे कि 5 माइक्रोन्स का भी मिल जाएगा, 2 माइक्रोन्स का भी आता है, और 1 माइक्रोन्स का भी डायल मार्केट में आपको मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू वर्क, हम डायल टेस्ट इंडिकेटर का सिलेक्शन करते हैं कि कौन सा टाइप चाहिए। जैसे ये हमारा प्लंजर टाइप है, ये लीवर टाइप है, तो ये इसके स्टैंड्स आते हैं, अलग अलग तरह के मैग्नेटिक स्टैंड हैं, काफ़ी अलग अलग तरह के स्टैंड्स आते हैं जिसमें हम होल्ड करके और फिर हम चेकिंग करते हैं, मेजरिंग करते हैं जो भी हमें इससे मेजर करना है। डायल पे भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई है मैंने, आप उन वीडियोस को भी वहाँ से देख सकते हैं। सो गाइस, ये तो था आज की इस वीडियो में मेजरिंग टूल्स के बारे में और उनकी सभी एप्लीकेशंस के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो मुझे कमेंट्स में लिखिए, और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी और भी वीडियोस को बनाने के लिए। और चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।